इस फिर से सीएनजी से दो डंडा रह गया। फिलहाल अपनी एनएस वो खड़ी है, एनएस को भी धोता हूँ सवेरे। बाइक जब भी गाड़ी अब गाड़ी आ गई ना, गाड़ी जब भी धोता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, मैं हैंग करके पहले तो मैं डेली बाइक धोता था, अब बाइक भी बोलते हैं कि मेरे को डेली धोता नहीं है। तो अभी सुबह अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से जलंधर जा रहे हैं, तो मैं सोचा यार जाते जाते एक ब्लॉग ही बना दो। फिलहाल तो गाड़ी पीछे ही कर रहा, मैं हैंग करके याद नहीं रहा। एक तो इन्होंने ये वाला रास्ता पता नहीं क्यों बंद किया, वो देखो पूरा रास्ता बंद कर रखा है आगे, पता नहीं कब खोलेंगे। फिलहाल भोलेनाथ चलते हैं और निकलते हैं। हाँ जी काका, काका बाय बाय। फिलहाल रोहन को भी भाई बोलते हैं, अब चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं फास्टैग का काम करवाऊंगा यार, रोड से चलता हूँ भयंकर, क्योंकि पीछे के राइट साइड से ना बहुत ज़्यादा वो है, कीचड़ कुचड़ है, मिट्टी मुट्टी। गाड़ी सबेरे इतनी मेहनत लगा के डेली धोता हूँ भयंकर की, पूरे ये देखो पूरा अच्छी तरह धोया, और मिट्टी इतनी जम जाती है ना गाड़ियों में, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी, वो लेके आना पड़ेगा मेरे को यार वैक्यूम क्लीनर ना, थोड़े टाइम रुक के वैक्यूम कर लूँगा। अरे यार ये पी 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 पी, एक तो जब से ये वाला मॉडल आया ना 24 का, इस पर सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, ये बंद ही नहीं होता। नहीं तो और गाड़ियों में ये होता था कि थोड़ा दूर चलने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता, बस गाड़ी में यही है, बंद नहीं होता। फिलहाल आपको भाई नहाता तो है नहीं, गाड़ी को रोज ही नहलाता हूँ मैं यार, क्या करना, नहा के एक हफ्ते से नहाया नहीं, गगन की गाड़ी भी यहीं पे खड़ी है। फिलहाल अभी चलता हूँ यहाँ से। एफएम भी ना इतना तगड़ा बेस मारता है ना एफएम, कभी कभी इतना बढ़िया चलता है एफएम। और फिलहाल तो मैंने सीट बेल्ट लगा दी, सीट बेल्ट लगाने का ये फायदा यार, ताकि सही भी रहेगा और पैपे पैपे बसता भी नहीं है, आते नहीं रहा भयंकर की, कोई नहीं आ रहा है। चलो ऐसे चलते हैं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। सो मेरे के बज रहे अभी कितने बज रहे यार, टाइमिंग 23:48, अपने आप ही लगा लो कितना बज गया, 23:48। तो चलता हूँ यहाँ से, संदीप को उठाता हूँ, जलंधर जा रहे हैं। जलंधर अपन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि संदीप ने ना मोबाइल लिया था, 4-5 मोबाइल लिए थे, तो उस मोबाइल को शायद वापस करना है या उसको दे के आईफोन लेना है उसने, उसका शायद काम नहीं चल रहा होगा अपने सॉन्ग प्रमोशन का, तो इसलिए अपन जा रहे हैं जलंधर। और चलते हैं अभी तो जलंधर, धूप तो आ रखी है मस्त, ऐसे धीरे धीरे गर्मी भी आ जाएगी कुछ टाइम में देखना। बस मेरे को गर्मी लगती है, सुबह मैंने एक डेढ़ घंटा लगा के गाड़ी धोई ना, तो गर्मी लगने लगती। कपड़े भी लेके आने हैं यार, क्या बोलते हैं ऋषिकेश के लिए, देखता हूँ यार शर्ट ले लूँगा अब, क्योंकि जैकेट जुकेट का क्या ही काम है, एक दो शर्ट ले लूँगा। लास्ट टाइम मैंने जो शर्ट ली थी ना वो इतनी चली नहीं थी, मतलब कि ना उस टाइम गर्मी आ गई थी जब बद्रीनाथ जाया गया था, अब तेने 3-4 शर्ट ली थी, तो एक दो शर्ट ले लूँगा और वो ले लूँगा, क्या बोलते हैं जीन, जीन तो मैंने कल ही लेके आया हूँ परसों जब गाड़ी डिलीवरी करने, तो 3-4 जीन्स मेरे पास आई, वो जीन की जगह वो ले लूँगा, क्या बोलते हैं जो आते नहीं हैं और मतलब कि जोगा टाइप के वो वाले ले लूँगा, वो मस्त होते हैं। ऐसे जब भी ऑफ रोडिंग मेरे को करनी होती है ना, मैं मोहित के घर आ जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऑफ रोडिंग, भयंकर के कितनी तगड़ी ऑफ रोडिंग है, ये देख रहे हो भयंकर। ये फिलहाल विपिन की बाइक खड़ी है यहाँ पे, विपिन स्कूल में ही होगा क्या, स्कूल में ही होगा विपिन। सो ऑफ रोडिंग करने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा मोहित के घर में, लद्दाख से भी तगड़ी ऑफ रोडिंग, लद्दाख में तो अब रोड भी बन गई है, तो कोई नहीं अभी फिलहाल पहुँच गया अपन यहाँ पे। भयंकर की झंडा देखो कितना बढ़िया लग रहा है ऊपर, इसको बोलूँगा ना मैं ड्रोन चार्ज कर लिया ऋषिकेश ट्रिप के लिए, इसका अपना क्रिकेट अकेडमी ये रही। ओ कल गाड़ी यहीं पे धोया था, पूरा गिल्ला हो रखा अभी भी, पता नहीं कहाँ होगा, हॉर्न मारता ये एक्टिवा में कौन आया है, घर पे ही होगा क्या। कल निकल के हम दोनों घर से, ये देखो और जा रहे जलंधर, कितना टाइम लग जाएगा, एक घंटा लग जाएगा। फिलहाल अभी नवी गाड़ी में अपना पहली बार जलंधर जा रही है, लुधियाना से बाहर कहीं जा रही है, जलंधर जा रही है, तो जाके देखते हैं। गाइस दिल्ली हाईवे से कनेक्ट हो गया अपन, ये देखो जलंधर हाईवे जा रहे हैं और गाड़ी क्या स्मूथ चल रही है, एकदम मक्खन की तरह। इससे पूछता भाई कैसे चल रही है गाड़ी, मक्खन की तरह ना भाई, क्या मस्त चल रही है गाड़ी, फिफ्थ गियर में, और एवरेज का भी पता हाईवे में ही चलेगा अपने को। टोल प्लाजा के पास मिला एक सीएनजी पंप, फिलहाल यहाँ से सीएनजी डलवाते हैं यार। अल्ट्रोज में आगे इसने लगता है आफ्टर मार्केट सीएनजी लगा रखे, क्योंकि इसने आगे जो आफ्टर मार्केट लगाता है उसका सीएनजी आगे होती है। फिलहाल अभी पता क्या सीन हो गया था, अभी ना मैंने अपनी वो बंद कर दी थी, क्या बोलते गाड़ी मतलब कि वो क्या बोलते यार इसका पंप खोल दिया था मैंने नीचे से, जो खुलते हैं ना सीएनजी वाला पंप खोल दिया, भयंकर गाड़ी बंद हो गई, ऑन ही नहीं हो रही है। मेरे को पता नहीं इसमें सेंसर होता कि गाड़ी एक बार अगर वो निकालता हूँ पीछे के डिक्की पंप वाला वो खुल जाए तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ऑन ही नहीं हो रही थी, फिर मैंने अभी बंद किया, चले गए आगे। सारा क्या फ़ायदा आफ्टर मार्केट लगाने का, इसने सीएनजी लगाया। फिलहाल ये पुआते हैं, कल सीएनजी आपके सामने मैंने पुआई थी 500 रुपये की, और देखो आज कितने चले 88 किलोमीटर। ऐसा तो मैं लूट जाऊँगा गाइस, पापा जी का कॉल आ गया, उसके सीएनजी डलवाते हैं, फुल करवाता हूँ भयंकर। फाइनली सीएनजी करा ली फुल, ये देखो अब देखते हैं गाड़ी कितनी चलती है अपनी। और फिलहाल अभी सीएनजी पुआ के निकलते हैं सीधा आगे। मैं यार आगे की साइड ना मैंने सुना था अभी सुबह कोई बोल रहा था कि क्या बोलते बंद कर रखा है टोल प्लाजा में, बट गाड़ियाँ तो सब जा रही है यहाँ पे है ना, सारी गाड़ी जा रही है, पता नहीं कौन बोलता कि टोल प्लाजा बंद कर रखा है। ये वो झालमुरी बनवा लेते भैया, झालमुरी बना दो, ज़्यादा वो तीखा मत रखना, नॉर्मल रखना,
करा रहा हूँ। पानी भी ले ले भाई। गाइस अपनी टाटा टियागो क्या मस्त चल रही थी यार, पता ही नहीं चल रहा था भयंकर क्या 80-90 की स्पीड में कि गाड़ी कोई बबलिंग कर रही है। 1200 cc इंजन है, कहाँ से पता लगेगा। पहली बार मैं जलंधर लेके जा रहा हूँ अपनी गाड़ी, और ये आगे दो मैंने परांदी लगाए थे आगे, और कल वॉश की थी मैंने रात को गाड़ी, सवेरे भी धोता डेली धोता अपनी गाड़ी को यार, क्योंकि धोएंगे तभी तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। आराम से केयर करके रखा हूँ। मड फ्लैप इसका लगाने आगे एजेंसी में, कल लगा के आऊँगा मड फ्लैप। तो झालमुरी ले ली खाने के लिए, झालमुरी बोलते हैं इसको, खाने के लिए ले लिया हमने यहाँ पे। अब चलते हैं, हो गया पानी की बोतल ले लेना यार, प्यास वो लगते हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं यहाँ से गाड़ी में। धूप क्या मस्त आ रखी है, ऐसा लगता है 2-4 दिन में गर्मी आ जाएगी। और फिलहाल अपना 98 ट्रैवल ने कैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को जो भी देख रहा है। बाकी तो चलते हैं यहाँ से, ये देखो मस्त लग रही है यार अपनी गाड़ी यार। टोल के पास पहुंच गए लाडोवाल। ओ भाई क्या जंप मारी गाड़ी यार, स्ट्रीट ब्रेकर देखा, ओ ये देख अपनी गाड़ी ना मारे है बप्पा ने इतना जंप, इसकी तो बंदी हो गई। देख ऐसे ले जाते प्यार से, ठीक है समझा दिया अगर अपने, ऐसे प्यार से ले जाते गाड़ी। भाई क्या जंप मारी थी आगे वाली गाड़ी, बहुत ज़्यादा ब्रेकर बनाए, पता नहीं क्यों बनाए सारे, कोई भाग ना पाए। पुलिस वालों को नवी गाड़ी मिल गई हाईलक्स। ये लगा किसान का, किसान आंदोलन का झरना, ये देखो चेक करो यहाँ पे, इसी करके शायद भीड़ लगी थी, सवेरे बंद कर रखा था इन्होंने, जाने नहीं दिया। तो फिलहाल अब तो जा ही रही गाड़ियाँ, और सतलुज पुल के पास पहुँच गया अपन। हमने यार फास्टैग नहीं लगाया, अभी हमारे साथ खांड होने से बच गया, साला एक चोर आ गया था, चोर आके बोलता कि चोर नहीं था फास्टैग हमने लगवाने को, साला बंदा चोर जैसा लग रहा था, गाड़ी खोलने लग गया पीछे वाली सीट में, बोलता कि अंदर आने दो फास्ट, अंदर आने दो बैठ के, फिर बोलने लग गया कि मैं लगवा देना पासवर्ड अंदर बैठ के फास्टैग। चकल से कैसा चोर लग रहा था। फिलहाल अभी सतलुज पुल के पास पहुंचे हैं, साला वैसे ही दरिंदा लग रहा था। तो हमने लगवाए नहीं, हमने कैश दे दी, कैश हमको पड़ा 430 रुपए वन साइड, इतना महंगा। कोई नहीं आगे, वो देखो भोलेनाथ जी की मूर्ति, जय भोलेनाथ। अभी अपन वहीं जाना है, फिलहाल अभी सतलुज पुल में है, ये पानी दिख नहीं रहा, पानी तो है ही नहीं यहाँ पे, बहुत कम है पानी है ना, बहुत ज़्यादा सूख गया भाई। जलंधर एंटर होते हमको मिला खतरनाक ट्रैफिक, हर बारी जैसा कि आपको पता मिलता ही है, थोड़ा ही दूर तक है ट्रैफिक, तो आराम से चल रहे हैं। सामने देखा मैं कितने पुरानी गाड़ियाँ हैं, मारुति सुजुकी बलिनो BXI बलिनो ऐसी थी, नहीं मेरे को स्टीम लग रही है गाड़ी, बट बहुत पुरानी है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमको अपनी जगह जाना था। झंडा क्या बढ़िया लग रहा है अपने देश का, बोले तिरंगा झंडा बढ़िया लग रहा है ना, फड़फड़ाता हुआ क्या मस्त लग रहा है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए चावला मोबाइल शॉप, ये सामने मोबाइल है चावला, वो देखो। तो चलो गाड़ी ऑफ करते हैं, अब चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं वहाँ पर क्या लेके आ रहे हैं अपन। अरे अलाव है ना गाड़ी यहाँ पे खड़ी करना, फिलहाल गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पे, लॉक कर दे। तो हाँ भाई मोबाइल क्या शॉप क्या चेंज कर दिया इन्होंने, ये देखो पूरी चेंज कर दी शॉप, पहले ऐसे नहीं थे, पूरी चेंज कर दी, गाड़ी यहाँ पे लगा दी लॉक, देखो तो लॉक है। हाँ सो गाइस ये दो फ़ोन लिया हमने, ये देखो एक रेड कलर ले लिया हमने और एक ले लिया ब्लैक कलर। सो ये चेक करो, बाकी घर जाके चला के देखेंगे कैसा फ़ोन है। चावला मोबाइल स्टोर से कितने कितने का दिया फ़ोन, 13-13 हज़ार के दिए दो फ़ोन, बाकी घर जाके चेक चुक करके देखेंगे आराम से फ़ोन सही है कि नहीं है। हैंग करके गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत जल्दी आ गई, अब यहाँ से चलते हैं घर, 1.5 घंटा घर जाने में लगेगा, फिलहाल चलते हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम हो गया देखो 2:59, 3 बज गए भयंकर की, टाइम का पता ही नहीं चला। मेरे को ना ये बढ़िया लगता है, पेड़ पौड़ जैसा है ना, इतने मस्त लग रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ का फील आता है एकदम, ऐसा लगता है चंडीगढ़ में गेड़ी मार रहे हैं, तो वैसा मेरे को बढ़िया लगता है। लुधियाना में भी ऐसी बात नहीं है। सो गाइस बगल में है बात कैस्टल, जो कि लाल किला की तरह लगता है भयंकर की, देखो वो है ये पार्टी हॉल है बात कैस्टल। ज़्यादा समय इसका ब्लॉग नहीं बना पाया यार, क्योंकि फ़ोन जब तक निकाला तब तक ये निकल गया था। रेंज रोवर जा रही है, उसका नंबर है 3006। तो यार मैं 3007 मांग रहा था, अगर मेरे को मिल जाता ना 20-30 हज़ार दे के एक्स्ट्रा तो मज़ा आ जाता। वो जा रहे हैं रेंज रोवर, इसका देखो 3006 क्या नंबर है भाई, 3007 मिल जाता गाइस मेरे को मज़ा आ जाता। कोई नहीं गाइस यहाँ पे पता नहीं क्यों जाम लगा यार आगे, पता नहीं मेरे को लगता शायद किसान आंदोलन की वजह से, तो ये आगे जाके ही पता लगेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते में, हाईवे पे, मेन हाईवे में। तो ये देखो अभी फिलहाल आगे जाके देखते हैं क्या है सीन। गाड़ी आ रही है सामने से, वो चेक करो रेलगाड़ी सही टाइम पे। एक बार एक ट्रेन अभी गई थी, उसका ब्लॉग नहीं बना पाया, बट ये आ रही है, ये देख लो आप जा रहे थे। मेरे को लगता है आगे रास्ता बंद है भयंकर की, क्योंकि अभी गाड़ियाँ मुड़ मुड़ के आ रही हैं, बाकी आगे जाके पता लगेगा बंद है कि खुला है यार। ये शॉर्टकट मार रहे हैं भयंकर, पता नहीं क्यों इतना लग रहा है ट्रैफिक, सवेरे था नहीं इतना, अभी इतना है। ये क्या कर रहा है,
कहाँ से निकालो, पीछे बस वाला हॉर्न दे ही जा रहा है। पागल वागल तो नहीं है क्या ये? ये देखो इसको भयंकर। अभी बंदे ने बताया कि 2 घंटे से जाम लगा हुआ था, फिलहाल अभी जस्ट खुला हुआ है। देखो कैसे जाम लगा है। मैं नीचे की साइड मैंने गाड़ी पाड़ ली और सामने भोलेनाथ जी की मूर्ति क्या बढ़िया लग रही है वो देखो। बहुत तगड़ा जाम लगा भाई, पता नहीं क्या होगा हमारा, कब तक घर पहुँचेंगे हम। ये बस वाले डरा देते हैं भयंकर, इन्हें पास से ला के चिपकाएंगे ना, उनका तो कुछ जाएगा नहीं और हमारा कुछ बचेगा नहीं। ये देखो ये डरा देते हैं, कहाँ घुसाऊँ भाई। तो ट्रक वाले और बस वाले डरा देते हैं गाइस, हाँ भाई इसीलिए यार। ओरा गाड़ी भी बढ़िया थी यार, डिजायर में पहले डिजायर देख रहा था पर अवेलेबल नहीं थे डिजायर, फिर मैं ओरा के पीछे गया, ओरा भी नहीं थी अवेलेबल। फास्टैग की लाइन है देखो गाइस कितनी लंबी लग रखी है, बहुत तगड़ी लाइन, भयंकर दूर दूर तक लाइन ही लाइन मिलेगी। वो देखो उधर उधर साइड लग गया अब जाम, पता नहीं ये देखो इधर हमारी लाइन क्लियर होगी, अब दूसरी साइड लग गया है।